अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्णा भावना अमृत संघ इस्कोन मुरादाबाद आशियाना के तत्वावधान में गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी इस्कोन यूथ फार्म द्वारा एक युवाओं के लिए उमंग उत्सव का आयोजन कल दिनांक 4 मई को शाम 5 बजे से रेड सफायर बैंकट हॉल आशियाना में किया जा रहा है, जिसमें युवाओं को पढ़ाई के साथ साथ संस्कार, डिप्रेशन से कैसे बचा जाए, मेडिटेशन कैसे किया जाए, युवाओं को प्रेरित करने के लिए वाइस चेयरमैन इस्कोन ब्यूरो जोनल सेक्रेटरी यूपी बिहार झारखंड राजस्थान साउथ गुजरात सेंट्रल उड़ीसा मायापुर वृंदावन पुरी जीबीसी मेंबर देवकी नंदन दास इस्कोन मुंबई से व यूथ फार्म से वाइस चेयरमैन परम आदरणीय सुंदर गोपाल दास दिल्ली से विशेष रूप से आ रहे हैं, जो भागवत गीता के द्वारा छात्रों को अपने बताए मार्गदर्शन के अनुसार अपने जीवन में सफलता प्राप्त कैसे की जाए, जिस पर विशेष प्रवचन नाटक के प्रस्तुति बच्चों द्वारा विशेष युवाओं को रॉक बैंड पर संकीर्तन व भोजन महाप्रसाद भी वितरण किया जाएगा। उसके बाद सभी को सर्टिफिकेट प्रदान किए जाएंगे। इस्कोन यूथ फार्म के मैनेजर अरुण उदयदास जी द्वारा पूरे कार्यक्रम का संचालन किया जाएगा, जिसमें विभिन्न डिग्री कॉलेज टेक्निकल यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट कॉलेज के छात्र प्रतिभाग करेंगे। उक्त जानकारी मीडिया प्रभारी राधाकांत गिरधारी द्वारा दी गई। मेरा नाम है अरुणोदय कीर्तन दास। कल 4 मई में शाम को 5 बजे से लेकर 9 बजे तक हमारा कार्यक्रम है। उमंग नाम से हम फेस्टिवल करते हैं इस्कोन की तरफ से युवाओं के लिए, जिसमें हम युवाओं को अवसर देते हैं स्पिरिचुअलिटी से जुड़ने का, क्योंकि आजकल युवा कहीं ना कहीं जो अपनी संस्कृति सनातन संस्कृति से दूर जा रहे, जिसके कारण वो आजकल डिप्रेशन तनाव ये सब चीज़ों का शिकार है ना, और वो सारी बुरी आदतों में भी वो इंगेज हो रहे हैं। तो एक गलत संघ होने के कारण, बैड एसोसिएशन होने के कारण वो इन आदतों में पड़ जाते हैं। तो कैसे उस संघ से हटाकर एक गुड एसोसिएशन से जोड़ के कैसे उनको दोबारा से उन बुरी आदतों से बाहर निकाला जाए, कैसे उन्हें डिप्रेशन एंग्जाइटी से बाहर निकाला जाए, क्योंकि गीता के अंदर ये सब बताया गया है ना, इस प्रकार से आपको जीवन जीना चाहिए। एक्चुअली गीता जी मैनुअल ऑफ लाइफ, जैसे मैनुअल आता है हर चीज़ के साथ मैनुअल आता है, ऐसे गीता हमारी लाइफ का मैनुअल है। तो वो हमको सिखाती है कैसे हमको जीवन जीना चाहिए परफेक्ट तरीके से, कि नहीं तो फिर धीरे धीरे वो लोग इस तरफ चले जाते हैं कि बहुत मुश्किल होता है इससे बाहर निकलना। हाँ, वहाँ पे तो नहीं कराएंगे, बट इस फेस्टिवल के बाद हम कुछ कोर्सेज कराते हैं। उसके बाद जस्ट वीकली हम यहाँ पे क्लासेस करते हैं सेंटर पे शाम को 5 से 7 संडे में इवनिंग में, तो उस माध्यम से हम क्लासेस से जुड़ते हैं। जैसे एक सेशन करते हैं हम डिस्कवरी और सेल्फ करके, तो वो पूरा कोर्स होता है 6 सेशन का 1-1.5 महीने का, उसके माध्यम से हम धीरे धीरे उनको स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करते हैं। हाँ, हर साल तो नहीं होता है, बट हाँ हर साल होता है, वैसे तो आप हर साल मान के चलिए ईयरली होता है। हाँ, बाहर से एक हमारे बहुत सीनियर डिवोटी हैं, जो लोग 15-16 साल से इस्कॉन मंदिर में सेवाएं कर रहे हैं, हिज ग्रेस सुंदर गोपाल प्रभु जी। तो अभी वो इधर नॉर्थ इंडिया के इस्कॉन की तरफ से मतलब चेयरमैन भी हैं, और युवाओं को जनरली हमारी एक ब्रांच है इस्कॉन यूथ फोरम करके, जिसमें पूरे युवाओं को हम गाइड करते हैं, उसके डायरेक्टर भी हैं प्रभु जी, और बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जो प्रभु जी के अंडर में चल रहे हैं। और उन्होंने बीटेक किया है बिट्स सराही से, गोल्ड मेडलिस्ट हैं वो, वैराइटी दिल्ली से एमटेक किया उन्होंने, पीएचडी किया, और उसके बाद फिर उन्होंने एलएनटी में जाते हैं। उद्देश्य यही है कि उनको आध्यात्मिकता का महत्व बताना, क्योंकि धीरे धीरे एक्चुअली हरे कृष्ण महामंत्र से उनको जोड़ना। तो मंत्रा मेडिटेशन हम सिखाते हैं उनको, मंत्रा मतलब वो जो मन प्लस तरह मतलब जो मन को तारता है, मन माइंड को कंट्रोल करने का कार्य करता है, जैसे मेडिटेशन हम करते हैं। तो कलयुग के अंदर एक्चुअली मेडिटेशन क्या है, मंत्रा के माध्यम से है। तो हरे कृष्ण महामंत्र कलयुग में बताया गया है कि उसको करते हैं अगर हम, तो उससे बहुत जल्दी हमारा साइंस कंट्रोल होते हैं। और इस्कॉन ने पिछले विगत 50-60 सालों में करके दिखाया भी पूरे विश्व में कि कैसे हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके व्यक्ति कैसे बुरी आदतों से छूट सकता है, नशा जुआ इन सब चीज़ों से बाहर निकलता है। तो उसका एक प्रैक्टिकल इफेक्ट भी है। तो जब उससे जुड़ेंगे और धीरे धीरे प्रसाद खाएंगे, जैसे प्रसाद बताते हैं जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसी वाणी, तो अन्न जैसा होगा वैसा हमारा मन होगा। अभी क्योंकि भोजन दूषित हो चुका है तो उसके हिसाब से मन भी दूषित हो रहा है, तो हम पहले उसको उनको प्रसाद खिलाते हैं। तो प्रसाद पाके और धीरे धीरे उनका जो मन है वो सतोगुणों की तरफ स्थित होता है। भगवान कहते हैं कि जब सतोगुण में आप आएंगे तब आप धीरे धीरे जो है उस स्पिरिचुअलिटी को आप समझ पाएंगे, तो उससे जुड़ना है। यही है कि इस आयोजन के माध्यम से वो जुड़े और धीरे धीरे जो हमारी संस्कृति जिसको हम भूलते जा रहे हैं उसको हम समझने का प्रयास करें। क्योंकि जैसे एक पेड़ होता है,
अगर वो अपनी जड़ छोड़ दे तो धीरे धीरे सूख जाता है। उसी प्रकार से अगर हम अपनी संस्कृति से अगर नहीं जुड़ेंगे, उसको छोड़ देंगे, तो हम कितनी भी उपलब्धि प्राप्त कर लें, लेकिन अगर नींव नहीं होगी तो बिल्डिंग ढह जाएगी, है ना। तो जरूरी है कि वो अपनी संस्कृति से जुड़े, उसको जाने, तभी हम कुछ भविष्य में जो है सोच सकते हैं। जैसे कि हम विश्व गुरु बनने की बात करते हैं, अगर अपनी संस्कृति से जुड़ेंगे तो हम विश्व गुरु बन सकते हैं, नहीं तो बहुत मुश्किल। ठीक है, हरे कृष्ण।